हेलो बच्चों, मदर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है और आशीर्वाद बात तरफ थी। मारा व्यूअर्स, मारा सब्सक्राइबर, सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद। आज मैं खाना में क्या बनाने जा रही हूँ देखो। जो चावल बन गया है, चावल बन गया है जो। चावल बन गया है। वो भरेला आलू और बैंगन की सब्जी, भरेला आलू और बैंगन की सब्जी, वो सरगवा को साग, चना बेसन काटा और सरगवा नु साग, और वो काचा, उसमें मैं मसाला करूँगी। वो बेसन का आटा है ना, वो उसमें भरेला में मैं डालूँगी, उसमें मसाला करूँगी, वो सब उसमें मसाला जाएगा उसमें। और तुवर की दाल मैंने चढ़ाई ने, उसमें मैं मसाला कर, नमक और हल्दी, धनिया पाउडर, टमाटर, थोड़ा सा टमाटर डालूंगी, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता थोड़ा सा, और लेमन, थोड़ा सा लेमन डालूंगी, थोड़ा सा मैं शक्कर डालूंगी, शक्कर या गुड़ कोई भी चले जाओ, शक्कर डालूंगी या गुड़ में डालती हूँ मैं। तो 10 मिनट में रखूंगी तो उसमें मसाला लग जाएगा, तो उसमें मैं मसाला करूंगी। बेसन का आटा है ना, मैंने वो बेसन का आटा सेक कर रखा है मैंने, उसमें गुड़, हरा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, उसमें मैं मसाला करूंगी, नमक और हल्दी, रेड मिर्ची, धनिया पाउडर, उसे लेमन, लहसुन की चटनी डालूंगी मैं उसमें। लहसुन की चटनी है वो, लहसुन की चटनी है ना, वो डालती हूँ मैं उसमें। अबे मसाला करो, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला तो खास डाल, तो बच्चों में बैगन और आलू दोनों भर रही हूँ मैं, बैगन और आलू, उसका मसाला तो मैंने बताया। छोकराओ बच्चों कितना नसीबदार है कि दादी का हाथ का खाना वो मिलता है, दादी का हाथ का। छोकरा अपना संतान ना, संतान तो बड़ा हो गया, पर दादी का हाथ का खाना वो उसके मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वो माँ का हाथ का तो खाना मिलता ही है। देखो मैं सब भर गया बैगन और आलू,
ને મેં ઉબાલ કે રખો રખૂંગી વો ને ગેસ ચાલુ કર દિયા હે આખા બટેટા ઓર રીંગણા ગુજરાતીમાં રીંગણા કે એમ તો બેગન ઉબલ જાયગા ને વો ઉસમે ઉસકા મેં ઝોકા દેવુંગી મને ગેસ ચાલુ કરી દીયા ને વો ઉબાલને રખૂંગી 20 મિનિટ લગેગી વો ઉબલ જાયગા ને તો ઉસમે ઝોકા દેવુંગી મેં વો મસાલા બચા હે ને વો મસાલા ઉસમે જાયગા થોડા સા ઉસમે જાયગા વો મેને પેર કી તકલીફ હે થોડી સી મેને એટલે સરગવા કી સી બહુ અચ્છી તો સરગવા કા પાવડર ભી બહુ અચ્છા પાવડર ભી આતા હે પગનો દુખાવો હોય ને તો એના માટે એટલે મેં વો બનાતી હું ઉસમે થોડા સા ડાળ દીધું સુગર કી દાળ હે ને વો ઉસકા ઝોકા દેને જા રહી હું જીરા થોડી સી રાઈ લાલ સૂકા મરચા और हींग में डालूंगी मारा घट मा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट मा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी મારો મન રો મારો મન રો શ્રીનાથજીને ચરણે ધારી જીવન સફળ કરી મારા અંતરનાયણ શ્રી મહાકૃષ્ણ મારો મન રો શ્રીનાથજીને ચરણે ધરી જીવન સફળ મને બહુ ભજન નો શોખ છે હવે ગળું કઈ ખરબું થઈ ગયું છે એટલે ગાઉં છું જીવન સે નહાર જીને વાલે બાત તો મેરી માન મે મત વાલે તું ભી કો અપના ક બઢતા ચલ દુનિયા કો સુખ દુખ કો દિખલા ચલ જીવન કો નહાર જીને વાલે જીવનથી કોઈ દી હારવાનું નહીં જેટલી જીવનમાં તકલીફ પડે ને કોઈ દિવસ કોઈને કહેવાનું નહીં કર્મ હારા કરો બસ કર્મ કરે જાઓ ફળ દેવા વાળો ભગવાન હજાર હાથ વારો બેઠો ભગવાન દુનિયામાં કોઈ એમ કે ભગવાન નથી ભગવાન છે કર્મ હારા કરો તો ભગવાન છે હું તો બહુ માનું છું ભગવાન છે કર્મ હારા કરવાના બસ બાકી કોઈ હિંમત નહીં હારવાની તકલીફ પડે ને કોઈ હિંમત નહીં હારવાની દેખો બચો દાળ બની ગઈ છે વો દેખો અચ્છી સી દાળ બની ગઈ ઘણા દિવસે ગીત ગાવાની બહુ ઈચ્છા હતી મેરી મને તકલીફ થોડી સી ગળા બહુ ગાતી મને ભજન તો બહુ તાતા છે પણ મેં મેરું તો ડબે પણ ઘેના
मन राडगे नहीं बोले वांगी पड़े रे ब्रह्मांड रे। सरस भजन में तो इतना भजन गावा छे। पछी आ किचन नु करवानु होय ने भजन। देखो बच्चों में सरकवा की सब्जी है ने वो उसने मैं झोंका देने जा रही हूँ। गमे भी तकलीफ रहने बच्चों हंसता रहना हंसता रहना। गमे एटली तकलीफ आए हंसता रहना बस। देखो मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा मैंने बहुत लगा है थोड़ा सा उसका झोंका देने जा रही है। सरकवा के सिंह है ना उसका झोंका देने जा रही हूँ। जीरा जीरा और राई जीरा और राई और हींग हींग बाद में डालूंगी। बैगन और आलू दोनों में उबाल के उबाल में चढ़ा दिया है कुकर में। उसमें मैं मसाला करूंगी टमाटर थोड़ी सी रेड मिर्ची मैं वो भी डालूंगी। नमक धनिया पाउडर हल्दी रेड मिर्ची देखो 10 मिनट उसमें रखूंगी। वो बेसन का आटा है मैंने मसाला कर लिए वो उसमें डालूंगी 10 मिनट। ओ रंगाई जानी रंग मारा राम तुम्हारे संग भगवान मैं बनी जावानी। कोई घर ऐसा नहीं है कि यहाँ तकलीफ नहीं है। सबको घर में तकलीफ है। कर्म अच्छा करवाना और दूसरों मन ऊपर कोई वस्तु नहीं लेना। मन ऊपर ले तो जी जी नहीं सकता। मन ऊपर नहीं लेना। देखो बच्चों वॉशिंग बन गई है वो उसमें मैं बेसन का आटा डालूंगी थोड़ा सा। मैं खुद पोते बच्चों मेरा बच्चा है उसका 3 बच्चे हैं ना उसमें मैं लगा कर जिंदा रहती हूँ। मेरा तो बच्चा है बेटा और बेटी का बच्चा है ना उसके मैं उसके साथ में समय पसार करती हूँ। कोई दिवस भूतकाल याद नहीं करवाना। वो भूतकाल याद करोगे तो वर्तमान बिगड़ जाएगा।
बनवाना ही तो बन के रहेगा, कोई की अपना हाथ की तो कोई बात नहीं है, कोई अपना हाथ की बस बस की बात नहीं है। सत्य नीति थी जीना। देखो बच्चों, मैंने वो बेसन का आटा है ना, वो उसमें नहीं डाला है, वो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। आलू बच्चों जो उबल गया है, वो आलू और बैंगन की सब्जी में उसका झोंका देने जा रही हूँ। पहला मरचा तली लो, हमारे यहाँ गाँव की रीत है, वो गाँव की रीत जो हमारी उसमें मैं जो का दूंगी वो बाद में, मैंने मिर्ची तल ली वो तेल में, तो इसमें तो उसमें जीरा जीरा डालूंगी, राई और हींग, इसमें मैं मसाला करूंगी, टमाटर डाला है मैंने, नमक हल्दी धनिया पाउडर रेड मिर्ची करेला आलू और बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। उसके विशेष कोई साग नहीं बनता, वो सब मसाला आएगा सब। देखो उसमें मैं बेसन का आटा और मतलब मसाला रखा था ना, वो भी थोड़ा सा डालूंगी। दस मिनट वो उबाल के रखा था, इसलिए मैं 10 मिनट वो रखूंगी गैस पे। गेहूँ का आटा का लोट बांधा है, उसमें मैंने मोइन डाला है, ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूंगी, उसमें तो मैंने डाला है मोइन, तो मैं डालती हूँ। मैं घनी जगह से मैं देखती हूँ वो मोइन नहीं डालता, कोई भी मैं रोटी में परोठा में, रोटी में तो नहीं डालता, हमें तो रोटी में मोइन डालता है, रोटी बहुत अच्छी बनती है। देखो वो 7-5 मिनट में ही ले लूंगी, बन गया है वो। हेलो बच्चों, मदर्स बुक में आपका स्वागत है और आशीर्वाद बात तरफ थी। मारा व्यूअर्स, मारा सब्सक्राइबर सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद है।
મારા સબસ્ક્રાઈબર, અમુક મારા સબસ્ક્રાઈબર જે છે મારું બહુ બહુ જ ધ્યાન રાખે છે. ઘણા સબસ્ક્રાઈબર છે કે મારું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે. મારી તરફ સે આશીર્વાદ સપો. બસો દેખો ખાને મેં ક્યાં બનાવ્યા હે. દેખો આજે રસ રસ બનાવ્યા હે. તુવેર કે દાળ, તુવેરની દાળ, રસ, રોટી, ભરેલી સબ્જી બનાવી, આલુ ઓર બેગન કે ભરેલી સબ્જી, સરગવા કે ભરેલી સબ્જી, સરગ બેસન કાંટાવાળી ભરેલી, ભરેલી જ કહેવાય આમ. બેસન કાંટા ઉસને મેં ડાલા. ઢોકળા બનાવ્યા હે, તિરંગી ઢોકળા બનાવ્યા હે. દેખો વો બતાવુંગી પણ મિનિટ બઢ જાતી હે ને, ઇસલીએ મેં નહીં બતાયા. ઓર મિર્ચી ઓર ઢોકરે કે સાથ વો ચટણી બનાવી હે. આ વઘારેલા ઢોકળા છે, આ કાચું, આ ચાવલ છાશ. દેખો બધું મેને ફૂલ ગુજરાતી થાળી બનાવી. દેખો બધું મેરા ખાના અચ્છા લગા તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને મેરા ખાના કેસા લગા હો કોમેન્ટ કરજો. અચ્છા લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં.